रादौर बस स्टैंड के शौचालय में बंद मिले दो युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि दो युवक रादौर बस स्टैंड के शौचालय में बंद थे और उनमें से एक की मौत हो चुकी है। वहीं प्राथमिक जांच में यह मामला नशे की ओवरडोज का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी जांच के बाद ही मामले को स्पष्ट करने की बात कह रही है। मृतक का साथी दूसरा युवक नशे की हालत में था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के मुताबिक युवक ददवाना कैथल का रहने वाला बताया जा रहा है। बस स्टैंड रादौर के अड्डा इंचार्ज शमशेर सिंह ने बताया कि उसके पास बस स्टैंड के चौकीदार रविंद्र का फोन आया था, जिसने बताया कि बस स्टैंड के शौचालय में किसी के जोर जोर से सांस लेने और खांसने की आवाज आ रही है, जबकि शौचालय की कुंडी अंदर से बंद है। सूचना पाकर वह तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद उसने तुरंत सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ा, जहां पर दो युवक पाए गए। इनमें से एक की हालत काफी गंभीर थी, जबकि दूसरा नशे की हालत में था, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं जांच अधिकारी राजेश राणा ने बताया कि एक युवक की मौत हो चुकी है। प्राथमिक जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है, क्योंकि मृतक युवक की जेब से नशीले टीके बरामद हुए हैं, जबकि दूसरा युवक अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है, जिसके बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। मृतक युवक की जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका नाम मुकेश कुमार दर्ज है, जो कि ददवाना जिला कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरा कैथल जिले के ही ढांड कस्बे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया है। चौकीदार का जी, रविंद्र का जी, उसने कहा भी ऐसे ऐसे बाबूजी बस स्टैंड आना पड़ेगा और कोई बंदा बढ़ रहा है लैटरिन में और है कर रहा है, जैसे दौरा दौरा पड़ गया। तो जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, मैंने तुरंत PCR को फोन किया, थाने में फोन किया और एम्बुलेंस को फोन किया भी, ताकि उसको निकाला जाए। उन्हें कुंडी अंदर से बंद करी हुई थी, वो पुलिस वाले ने आके वो खुलवाई है, उसको फर्स्ट एड के लिए यहाँ रदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें भर्ती किया गया। तो इन्होंने सूचना दी थी कि बस स्टैंड रदौर के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर आवाज़ आ रही है, लेकिन यो नहीं पता भी अंदर कौन है। जिस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची तो जब दरवाज़ा खोल के देखा तो अंदर दो लड़के, तो जो एक बेहोशी की हालत में था, दूसरा ठीक था, उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया, इनको हॉस्पिटल लेके आई। तो इनके जेब से नशे के इंजेक्शन वगैरह और शीशी वगैरह मिली है। तो थाने हॉस्पिटल में ले आने के बाद पता चला है कि ये ब्रोड डेड है, इसका एक लड़का, जिसके मुताबिक ये अपना आधार कार्ड मुकेश कुमार नाम है इसका, सन ऑफ कश्मीरा है, डडवाड़ गाँव है कैथल में जी, हाँ जी, वहाँ का रहने वाला है। अभी देखो अगली जो भी है तफ्तीश में क्या सामने आएगी। अभी यहाँ से 174 की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जो है वहाँ भेज रहे हैं यमुनानगर, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होएगा, उसके बाद जो भी नतीजा सामने आएगा कॉज ऑफ डेथ, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ओवरडोज जो नशे के इंजेक्शन मिले हैं इनकी जेब से और शीशियां मिली हैं, तो दूसरा भी जो है उसकी भी ज़्यादा हालत ठीक नहीं है, हाँ उसने भी डोज ले रखा है। हाँ नहीं, इस उसका गांव डांड है दोनों कैथल के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं कुछ नहीं पता लगे। अभी एक बाइक थी इनके पास, बुलेट मोटरसाइकिल, अब थाने में भिजवा दी है। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर बाद ही इनके घर तक कोई सूचना भेजेंगे, जैसे ही को पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।